नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रेलवे के जीएम एसएन अग्रवाल ने किया जगदलपुर डिवीजन स्टेशनों का निरीक्षण। रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और पब्लिक डिमांड के बारे में ली जानकारी। जीएम ने कहा मार्च 2017 से चाईबासा में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हो जाएगा शुरू। नवागांव ग्राम सभा कामगार निगरानी समिति के लोग मिले श्रम अधीक्षक से। जॉन मिलर मुंडा पर लगाया हड़ताल कराने की साजिश रचने का आरोप। चाईबासा चेंबर ने रेलवे के महाप्रबंधक को सौंपा 18 सूत्री मांग पत्र। पुरुषोत्तम और उत्कल एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चाईबासा होकर चलवाने की मांग। उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। पंचायत भवनों का निर्माण कार्य जनवरी में पूरा कराने का अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। रेलवे के जीएम एसएन अग्रवाल ने आज जगदलपुर रेल डिवीजन के स्टेशनों का निरीक्षण किया। उनके साथ डीआरएम राजेंद्र प्रसाद और सभी विभागों की टीम रही। जीएम ने कहा कि मार्च में चाईबासा के जेएमपी चौक के पास रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे के स्पेशल सैलून से जीएम और डीआरएम डंगा पोसी क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने डंगा पोसी सेक्शन के स्टेशनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और पब्लिक डिमांड के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्थिति को संतोषजनक बताया। वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे जीएम ने कई जगहों पर उद्घाटन भी किया। डंगा पोसी से वे चाईबासा लौटे। चाईबासा स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण भी किया। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जीएम और डीआरएम का स्वागत किया गया और साथ ही 18 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। चेंबर के अध्यक्ष ललित शर्मा, सचिव मधुसूदन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनोद दाहिमा आदि ने जनता से जुड़ी समस्याओं को रखा। फिलहाल हावड़ा बरबिल जनशताब्दी में 12:45 के बाद टिकट नहीं मिलता है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर जीएम ने समस्या समाधान की कोशिश करने का आश्वासन दिया। रेलवे स्टेशन से जेएमपी चौक तक सड़क किनारे लाइट की व्यवस्था कराने की मांग की गई। पत्रकारों से बात करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि नई ट्रेन की मांग की जा रही है, लेकिन यह मंत्रालय के हाथ में है। जनता की मांग को हम वहां तक भेज देते हैं। चाईबासा में जेएमपी चौक के पास रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ ओवरब्रिज बनने में देर होने के सवाल पर जीएम ने कहा कि फरवरी के अंत या मार्च तक इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। आज जो है अपने चक्रधरपुर मंडल के वार्षिक निरीक्षण पर हैं और ये वार्षिक निरीक्षण हम लोग हर एक मंडल का अलग अलग सेक्शनों का करते हैं। तो इस बार इस सेक्शन में निरीक्षण कर रहे हैं और हमारे साथ में सभी जो हमारे प्रमुख विभाग अध्यक्ष हैं वो सब हमारे साथ में हैं। तो इस निरीक्षण का, वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सेक्शन में क्या रखरखाव की स्थिति है, पैसेंजर एमिनिटीज की क्या है, बाकी पब्लिक डिमांड्स क्या हैं और सुरक्षा वगैरह की क्या व्यवस्था है, सबका पूरा जायज़ा लेना। वो उस दृष्टि से ये हम निरीक्षण करते हैं। उसी में साथ में ये होता है कि जब ये सघन निरीक्षण का समय आता है तो उस सेक्शन में एक इंटेंसिफाइड तरीके से उसको इनपुट्स मिल जाते हैं, तो एक तरीके से वो सेक्शन एक बार से पूरा पिकअप हो जाता है। तो इसी दृष्टि से ये निरीक्षण आज हम कर रहे हैं और काफ़ी अभी तक का निरीक्षण बहुत अच्छा रहा है। सभी जगहों में काफ़ी अच्छी स्थिति मिली है, चाहे वो सुरक्षा के संबंधी विषय हों या पैसेंजर एमिनिटीज हों या सेक्शन का रखना। देखिए, वो नई ट्रेनों का जो भी होता है और नए ठहराव जो हैं वो रेल मंत्रालय से आते हैं, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले 2 वर्षों से नहीं, वो भी अगर हमारे पास लाई ओवर का संभावना है तो उसमें जो है वो नई ट्रेन का जो भी जो स्वीकृति आती है वो मंत्रालय से आती है। अभी आज कल और परसों में मीटिंग चल रही है, ऑल इंडिया टाइम टेबल कमेटी मीटिंग चल रही है, तो उसमें कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे जो कि अगर इसमें कंसेंसस बन गई तो फिर मंत्रालय में जाके और फाइनली वो ट्रेन होगी। सर, साउथ की तरफ तो 2-3 ट्रेनें आ गई है, साप्ताहिक वीकली आ गई है, लेकिन इस तरफ
दिल्ली तरफ जाने के लिए तो कोई ट्रेन नहीं है बम्बई की तरफ, तो इस रूट से कुछ डिमांड क्या कुछ पूरी दिल्ली की ऐसा आप लोगों ने क्या प्रोग्राम रखा है? मैं आपको जैसे बताया ना, हम लोग नॉर्मली ट्रेन का जो डिमांड होती है वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, बाकी उस पर फिर फाइनल निर्णय मंत्रालय से लिया जाता है, वो ये देखते हुए कि भाई रूट पर क्या कैपेसिटी है। आरओबी का देखिए, अगर अभी कल ही भी हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, तो इसके जो आरओबी के अप्रोच में करीब 83 एनक्रोचमेंट आ रहे हैं, तो वो हमने उनके संज्ञान में लाए थे, तो उन्होंने तुरंत यहाँ के जो डीसी हैं उनको इनको हटवाने का निर्देश दिया है, तो वो अगर हटवाने के विषय में कार्रवाई हो जाती है तो हो सकता है कि हम फरवरी एंड या मार्च में उसके काम की शुरुआत कर दें। चाईबासा चैम्बर की ओर से जीएम को ज्ञापन सौंप कर 18 मांगे रखी गई। चैम्बर ने यात्री सुविधा बढ़ाने, स्टेशन रोड में लाइट की व्यवस्था, डीएम व्यू का समय बदलने और पुरुषोत्तम और उत्कल एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चाईबासा होकर चलाने की मांग की गई। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज रेलवे के जीएम के आगमन पर उनको एक मांग पत्र सौंपा और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए उस मांग पत्र में बहुत सी बातों को समाहित किया। चाईबासा चैम्बर की मुख्य मार्गों में यात्री सुविधा सहित छोटी छोटी मांगे भी थी, जैसे झारखंड सरकार ने रेलवे क्षेत्र की सड़क का निर्माण तो कर दिया लेकिन लाइट की व्यवस्था जेएमपी चौक से रेलवे स्टेशन तक नहीं है, इस संदर्भ में भी जीएम साहब से बात हुई। 2 नंबर प्लेटफार्म पर और यात्री सेट बढ़ाने के लिए, वहाँ और एक ही सीढ़ी उतरने के लिए एक सीढ़ी का और निर्माण करने के लिए, उसके सहित डीएमयू को समय परिवर्तन करने से यहाँ के यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मुहैया होगी, इस संदर्भ में जीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं देख लेता हूँ रैक कैसे साफ सफाई का कैसे व्यवस्था होगा, इस संदर्भ में ये मेरे स्तर का चीज है, इसको हम गंभीरता से लेते हैं। साथ ही साथ पुरुषोत्तम उत्कल को इस क्षेत्र होकर के सप्ताह में 3 दिन चलाने के लिए भी हम लोगों ने मांग पत्र में उल्लेख किया है, उस पर तो उन्होंने कहा कि ये रेलवे बोर्ड तक का मामला है, इस पर मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपकी इन सभी मांगों को मैं उचित फोरम पर रखूँगा और इस पर अपनी तरफ से भी मैं अनुरोध करूँगा रेलवे बोर्ड से कि यहाँ के यात्रियों की मूलभूत सुविधा और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनी तरफ से पहल करें। कुल कितनी मांगे का मांगे तो हम लोगों ने 17-18 सौंपी है, जैसे छोटी छोटी बहुत सी मांगे हैं, जैसे जेएमपी रेलवे फाटक के पास जो बम्पर बने हुए हैं, पहले भी हम लोगों ने मांग की थी और चाईबासा स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर होने के नाते उस वक्त मेरी मांग को गंभीरता से लेते हुए उस वक्त उनको काट करके छोटा किया गया था, लेकिन पुनः रेलवे के ठेकेदारों द्वारा पुनः उन बम्पर को बना दिया गया, ठोकरों को, वो ठोकर नहीं कह करके ब्रेकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस संदर्भ में उनके साथ डीआरएम राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हम लोग दिखवा करके कमर्शियल वालों को हम लोगों के सामने उन्होंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया मौखिक रूप से कि इसको आप देख लें और इस समस्या का समाधान करें। झिकपानी के नवा गांव में चल रही साई स्पंज कंपनी के मजदूर और ग्रामीण और मजदूर नेता जॉन मिलन मुंडा आमने सामने है। मजदूर और ग्रामीण जॉन मिलन मुंडा पर कुछ मजदूरों को भड़काकर हड़ताल करवाने का आरोप लगाया है। ग्राम सभा कामगार निगरानी समिति के अध्यक्ष भगवान गोप के नेतृत्व में कंपनी के मजदूर श्रम अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, हड़ताल का विरोध किया। अध्यक्ष का कहना है कि कंपनी से हमारी पहले ही वार्ता हो चुकी है, 8.33% बोनस पर सहमति बनी और अक्टूबर 2016 में इसका भुगतान भी हो गया, लेकिन जॉन मिलन मुंडा 20% बोनस दिलाने का झांसा देकर मजदूरों से हड़ताल करवाने की साजिश कर रहे हैं। निगरानी समिति नवा गांव जिंदाबाद जिंदाबाद, साई एस्पंज जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल करने नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। हम लोग साई एस्पंज नवा गांव के निगरानी समिति की ओर से आए हैं। हम लोग का आने का मकसद, एक नेता जो जॉन मिरन मुंडा है वो मैंने कर्मचारियों को हमारे बरगलाने करके हड़ताल कराने का और उनका डिमांड जो है
20% बोनस, 600 रुपया प्रतिदिन हाजिरी, इस तरह से किया, जो कि हम लोग मैनेजमेंट के साथ और निगरानी समिति के साथ डिस्कशन करने के बाद 8.33 हम लोग अक्टूबर में दे चुके हैं। और जो मिनिमम गवर्नमेंट का है रेट है, हम लोग उसके मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक जो रेट है, हम लोग पेमेंट करते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम लोग हड़ताल करके, हम लोगों का जो 300 परिवार उससे भी ज़्यादा है इनडायरेक्ट डायरेक्ट, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हड़ताल करके हमारा फैक्ट्री बंद हो। और हमारे साथ सभी कामगार साथी हमारे साथ में हैं, निगरानी समिति के साथ में हैं। इसलिए हम जो जॉन मिरर मुंडा जो कर ऑब्जेक्ट विरोध कर रहा है हम लोगों का, हम लोग उसका वो जो कर रहा है, हम लोग विरोध करते हैं हड़ताल का, हम लोग विरोध करते हैं। डीएसपी मुख्यालय प्रकाश सोई ने आज थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। वारंट और कुर्की के मामलों का तामिला समय से कराने को कहा गया। लूट की घटनाएं बढ़ी है, इस पर नियंत्रण करने के लिए और सक्रियता बढ़ाने की हिदायत दी गई। आज क्राइम मीटिंग किए थे अपना क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को बुलाए थे, जिसमें से ज्यादा केस डिस्पोजल करने तामिला करने के लिए और अपने क्षेत्र में हो रहे लूट की बढ़ती घटनाओं में गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की हत्या को लेकर आज चायवसा में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिले की सहिया और बीटीटी चायवसा में एकत्रित हुए। उन्होंने गिरिडीह के बीटीटी रीतलाल वर्मा की हत्या पर चिंता जताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शोक सभा का आयोजन किया गया। हमें अफसोस है कि हमारा साथी के साथ में ऐसा हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो, तो यही आगे बोलेंगे। उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने जिला ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की। जनवरी महीने में सभी पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत भवन निर्माण और APSC निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। जगन्नाथपुर के BDO को योजनाओं का MB कनी अभियंता से बुक कराने को कहा गया। शनिवार तक कार्य नहीं होने पर वेतन बंद करने की अनुशंसा भेजने को कहा गया। योजनाओं के अनुपात में मजदूरों की संख्या कम होने पर उपायुक्त ने BDO और BPO को फटकार लगाई।